स्वास्तिका का रंग लाल क्यों बताया? लाल रंग क्रांतिकारी होता है, बुद्धि में क्रांति विचारों के आधार पर आती है कि बिना विचार किए क्रांति आ जाती है, है? विचारों के आधार पर क्रांति आती है, इसलिए जो लाल रंग दिखाया है स्वास्तिका का अर्थात चक्र का, वो ये सूचित करता है कि पहले मन में क्रांति आती है, फिर वाचा से बाहर निकलती है, फिर कर्मणा में क्रांति आती है। ये ज्ञान का चक्र है, जो बुद्धि में घूमता है। बाबा के हिसाब से असली हिंसा है काम विकार, और काम विकार के आधार पर ही दुनिया की सारी प्रकार की हिंसाएं चलती है, चाहे मानसिक हिंसा दे या कोई वाचा की हिंसा दे या कोई बाहुबल की हिंसा दे। हिंसा का मूल है काम विकार, इसलिए बाबा ने बोला है कि असली हिंसा काम विकार है, जो देवताओं में नहीं होती है। देवताओं को अहिंसक कहा जाता है, न बाहुबल की हिंसा करते हैं, न वाचा की हिंसा करते हैं, न मनसा के वाइब्रेशन से कोई को दुख देते हैं। ज्यादा बुद्धिमान होते हैं शूद्र, देवता तो मृदु होते हैं, और वो ज्यादा अच्छी शूटिंग कर सकते हैं। अच्छी शूटिंग कर सकते हैं, काहे की स्वर की शूटिंग कर सकते हैं। अच्छी शूटिंग स्वर की कहेंगे आप या नरक की शूटिंग अच्छी कहेंगे? माने सूत्र जो है, जो विविचारी होते हैं, वो स्वरक की अर्थात तो स्वस्थिति में रहने की शूटिंग कर सकते हैं। आपका बुद्धि रूप पेट बहुत विशाल है, जो भविष्य वेत्ता था। भविष्य वेत्ता तो था, लेकिन उसकी बताई हुई भविष्यवाणी से जिसको सैकड़ों वर्ष हो गए दुनिया का कल्याण हुआ, नहीं हुआ? जब घटनाएं घटित हो गई
अब घटित हुई घटनाओं के आधार पर नास्तरदम की जो बातें थी उन बातों का समर्थन करने वालों ने बोलना शुरू कर दिया कि उन्होंने तो देखो पहले से ही ये बात लिख रखी थी, परंतु पहले से लिखी हुई बात का अर्थ किसी ने नहीं समझा। बाद में जब घटनाएं घट गई तब उसका अर्थ किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे शास्त्रों में संगम युग का सारा चित्रण है, संगम युग की सारी बातें शास्त्रों में निधि हुई है, परंतु उसके अर्थ का विश्लेषण न तो शास्त्र लिखने वालों ने किया और न कोई परवर्ती शास्त्रकारों ने किया। ऐसे नहीं कि शास्त्रों में सच्चाई नहीं थी, सच्चाई तो थी। अगर सच्चाई न होती तो ब्रह्मा के वाक्यों में शास्त्रों का आधार लेने की क्या जरूरत। लेकिन उसका सही अर्थ किसी ने नहीं जाना और न संसार का कल्याण हुआ। ऐसे ही दुनिया के जो बड़े बड़े गीतकार हुए हैं, पुरानी पुरानी फिल्मों के जो गीत हैं, जो बाबा मुरलियों में भी देते थे और उन गीतों के आधार पर षष्ठी चक्र का अर्थ बैठ समझाते थे, उन गीतों में भी षष्ठी का कितना भारी रहस्य भरा हुआ है। कवियों की कविताओं में षष्ठी का कितना भारी रहस्य भरा हुआ है। जयशंकर प्रसाद ने लिख दिया, हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। दुनिया में ऐसा प्रचंड बाढ़ का दृश्य देखने में आवेगा कि सारी दुनिया जलमयी हो जाएगी। मनुष्य मात्र भी देखने को नहीं मिलेगा, प्राणी मात्र भी उस प्रवाह में डूबे हुए नजर आएंगे और एक व्यक्ति बैठा देखेगा भीगे नैनों से। ये क्या हुआ? ये कल्पना झूठी है या सच्ची है? कवि अपनी भाषा में सात्य के स्टेज में जो चीज लिखता है वो सच्चाई होती है, दूसरे लोग उसके अर्थ को नहीं समझ सकते। जो भी पहली पहली चीज होती है तत्व प्रधान होती है। जैसे हिंदी का उपन्यास चंद्रकांता, पहला पहला उपन्यास, उसमें कितनी सच्चाई भरी हुई है। तीन ग्रुप दिखा दिए,
तीन राज्य दिखा दिए, एक राजा है शिवदत्त जो विष पीने वाला है, एक राज्य है विजयगढ़ है, विजयमाला का किला, तीसरा राज्य है नवगढ़ है। नौ प्रकार की राजाइयों को संजोने वाला रुद्रमाला का किला, और तीनों की जो बातें दिखाई गई है वो संगम युग से टैली करेंगे तो ऐसे ही टैली होती है जैसे शक्तिमान शुरुआत में चला था। ब्राह्मणों की दुनिया ने शुरुआत में शक्तिमान कितने चाव से देखा, उसमें लिखा हुआ भी था कि बाई चांस अगर कोई के जीवन से ये घटनाएं घटित हो जाएं, तो इसके जिम्मेवार हम नहीं है। तो ये भविष्य को जानने की कला ज्ञानी आत्मा के अंदर हो सकती है या अज्ञानी आत्माओं के अंदर, भक्त आत्माओं के अंदर हो सकती है। आदमी व्यास मध्य में कवियों के रूप में, और अंत में नंबरवार भविष्य वेत्ताओं के रूप में, ये भगवान के ही बच्चे हैं। नंबरवार जो ज्ञानी तू आत्मा का पाठ बजाने वाले हैं, परंतु उनके द्वारा सत्य का उद्घाटन उधा हुआ नहीं है। जब तक 100% सच्चा बाप इस शक्ति पर नहीं आ जाता है, बाकी रही पार्ट किसका है वो तो बाप दादा भी नहीं बताते हैं कि किसका क्या पार्ट है। इशारा देते हैं, जैसे हिंदुओं में व्यास बड़ी से बड़ी मान्यता प्राप्त व्यक्तित्व का नाम हुआ, ऐसे ही ज्योतिषियों के बीच में नास्तरदम का नाम हुआ। संस्कृत के कवियों के बीच में कालिदास का नाम हुआ। हिंदी के कवियों के बीच में तुलसी और सूर का नाम हुआ। ये विशेष विशेष भव्य मूर्तियां हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर शेष से शेष अनेक प्रकार के पाठ बजाए हैं। कभी वीरता का पाठ बजाया, कभी विद्वता का पाठ बजाया, कभी कलाकार का पाठ बजाया, कभी महाराजाओं का पाठ बजाया। तो कभी बड़े से बड़े साधारण व्यक्तित्व का पाठ बजाया, हाँ।
राम लक्ष्मण लक्ष्मण ने उसके बैर नहीं पाए थे, लक्ष्मण ने शिवस्ते को बैर दिए थे, बैर बैर देवरी के बैर, हाँ लक्ष्मण जी ने नहीं खाए थे, नहीं खाए, और राम जी ने खा लिए, खा लिए। राम भगवान थे या कृष्ण लक्ष्मण भगवान थे? है राम तो भगवान थे। व्यभिचार को झूठा कहा जाता है या अव्यभिचार को झूठा कहा जाता है? है व्यभिचार माने झूठा, तो भगवान झूठा खा सकता है या कृष्ण और लक्ष्मण झूठा खा सकता है? झूठा खाने की दम किसमें है? झूठा अर्थात विष, सच्चा अर्थात अमृत। वो बेर कोई हद के बेर की तो बात नहीं होगी, है बेहद के बेर होंगे या हद के बेर होंगे? अरे बेहद के बेर हैं। जहाँ खाने की बात आती है तो भोग लगाना कहा जाता है। एक होते हैं व्यभिचारी भोग और एक होता है अव्यभिचारी भोग। देवताओं का भोग कैसा होता है? है अब भी विचारी। तो कृष्ण कहो, रामायण में लक्ष्मण कहो, ये नाम दिए हुए हैं। तो राम लक्ष्मण में भगवान कौन है? भगवान विष पी सकता है, झूठा खा सकता है या दूसरी आत्माएं भी ऐसा कर सकती हैं? है भगवान ही कर सकते हैं, और वो भी शूद्राणी के, कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण ही हो, अच्छे से अच्छे आचरण वाली हो, उसका संग का रंग, उसका झूठा भोजन, उतना अनिष्टकारी नहीं होगा। और शूद्राणी किसको कहा जाता है? व्यभिचारी को या अव्यभिचारी को? व्यभिचारी को शूद्राणी कहा जाता है। बेहद का महावीर, महावीर ने कहा दिलवाड़ा मंदिर में नीचे बैठे हुए हैं तपस्या में, और ऊपर स्वर्ग दिखाया गया है, नीचे हाथी घोड़े दिखाए गए हैं, पैदल दिखाए गए हैं। तो ये माया के साथ युद्ध का पुरुषार्थ करने वाले अनेक प्रकार की मनुष्यों की कैटेगरी है, जिनमें ऊंची से ऊंची कैटेगरी है महावीर महावीरणी की। उसके बाद है हाथी सवार या रथी, तीसरे हैं घुड़सवार, चौथे हैं पैदल। तो जो भी नारायणों वाली आत्माएं हैं, जो सत्युग में नारायण बनते हैं, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड या आठवां,
वो है हाथी सवार, महारथी है, कोई है घुड़सवार। घड़ी में आगे जाते हैं, घड़ी में पीछे आते हैं, घड़ी घड़ी अवस्था ऊंचे से ऊंची और नीचे से नीचे हो जाती है। जैसे आठ का मिसाल बताया, आठ अभी अभी नीचे से नीचे स्टेज में और अभी अभी ऊंचे से ऊंची स्टेज में चले जाते हैं, तो कौन सवार हुए है? घुड़सवार। लेकिन ऊंचे से ऊंचे पुरुषार्थी वो हैं जिन्हें महावीर महावीरनी के रूप में दिखाया गया है। जैनियों में उनको तीर्थंकर भगवान माना गया है। हिंदुओं में हनुमान को महावीर कहते हैं। कि राम भगवान को भी किसका सहारा लेना पड़ा है? महावीर का सहारा लेना पड़ा। हम ब्राह्मणों की दुनिया में भगवान कौन है? अरे अरे कौन है भगवान? शिव बाप, आत्माओं का बाप। विधर्मी जिसे कहते हैं अल्लाह, ऊंची से ऊंचा पाठधारी, तो किसका आधार लेता है? अगर उसका आधार न ले तो रावण संप्रदाय की दुनिया को पलट करके राम संप्रदाय की दुनिया, राम राज्य नहीं स्थापन कर सकता। तो पता ही नहीं चला अभी तक कि महावीर कौन है, पता चला कि नहीं है? मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछा। हाँ, महावीर का पार्ट कौन है? प्रजापिता की संपन्न स्टेज नारायण, उसे कहेंगे महावीर, जिसे जैन संप्रदाय में भी अंतिम तीर्थंकर के नाम से घोषित किया गया है। बाबा कहते हैं 24 अवतार नहीं हुए, अवतार तो वास्तव में एक ही है, जिसका नाम महावीर कह दो या आदिदेव कह दो या आदिनाथ कह दो। और हाथ उठाओ, हाथ भाई। हाँ, संगम युग में एडवांस में आने के बाद स्कूल में पिटाई होती है, तो 63 जन्मों में पिटाई नहीं की होगी। अरे जो एडवांस में आने वाले हैं, अच्छा अच्छा पुरुषार्थ करने वाले हैं, वो राजा बने होंगे कि नहीं बने होंगे? हैं? बने होंगे। और राजाओं ने पिटाई की होगी कि नहीं की होगी? की होगी। तो क्या पिटाई याद आ रही है? पिटाई भी हो तो भी कमाई हो रही है। अगर एडवांस में चलने वालों की पिटाई हो तो कमाई हो रही है कि नहीं है? नहीं हो रही है। हो रही है। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब चुपचू हो रहा है। हाँ, है।
ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी कौन सी देवी है जो कोई प्रकार की शिकायत नहीं करती है किसी से? संतोष परमं सुखम, जो भी पार्ट मिला हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार, जो भी सेवा मिली हुई है ड्रामा प्लान अनुसार, उसमें खुश है। अरे अरे, देवियों के नाम तो सुन लिए ना। जगदम्बा है, गंगा देवी है, यमुना देवी है, नाम सुने कि नहीं सुने? कौन सी देवी है जिसको कभी भी कोई से कोई शिकायत नहीं है? शिकायत मुख में आने से पहले ही भगवान बाप उसको शांत कर देता है साक्षात्कार करा के। हाँ, गंगा देवी, हाँ लक्ष्मी, दिलवाड़ा मंदिर में बाहर जो छोटी छोटी मंदिर बने हुए हैं, चारों ओर उसमें सफेद मूर्तियां दिखाई गई हैं और अंदर कोने में एक काला देव बैठा हुआ है। वो एक को इतना काला क्यों दिखाई दिया गया? बाबा ने तो बोला है, और कोई धर्म में इतना श्याम और इतना सुंदर पार्ट बजाने वाला कोई होता ही नहीं। कोई धर्म पिता नहीं होता जो इतना श्याम, इतना काला और इतना गोरा पार्ट बजावे। ये देवी देवता सनातन धर्म में ही है गाया हुआ। क्या अति का श्याम भी है और उसी जन्म में अति का सुंदर भी पार्ट बजाने वाला है। इतना श्याम पार्ट बजाता है कि सारी दुनिया हाहाकार करने लग पड़ती है। सबको अनिश्चय पैदा होने लग पड़ता है। जो मुरली में बोला है, महाकाल का पार्ट ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। जिन्हें बाबा ज्ञानी तू आत्मा कहते हैं, फिर दुनिया में जो अज्ञानी है उनकी तो बात ही क्या। नहीं पता चला किसकी काली मूर्ति है? है वो काला देव कौन बैठा हुआ है अंदर? है
शिव बाबा जो एवर प्योर है तो काला देव हो गया है। शिव बाबा तो ना काला बनता है और ना गोरा बनता है, वो तो सदैव एवर प्योर है। कौन है फिर है? महाकाल। हाँ जी कर्ण उनकी को पांच बार देता कर्ण है, इसका जो ध्यान में क्या पांच बार देता है ऐसा है मैं मालूम ना, तो तेरे पांच पुत्र रहेंगे और आत्म मरेगा तो पांच पुत्र। हाँ तो ये पांच बाण फोड़े हुए तो बात बताई कि मैं अगर शरीर छोड़ता हूँ तो भी पांच पांडव बचेंगे, और अगर अर्जुन शरीर छोड़ता है जिसकी मैंने प्रतिज्ञा ली है मारने की तो भी चार पांडव और पांचवा मैं बचूंगा। की गिनती तुम्हारी खत्म नहीं होगी, ये समझ में नहीं आई बात है? देवात्माएं अभी भी ऊपर से नीचे उतर रही है, देवात्माएं अभी भी ऊपर से नीचे उतर रही है, तो क्या वो स्वर्ग में नहीं आएगी? वो स्वर्ग में नहीं आएंगी? अरे अभी नहीं आएंगी तो वहाँ कहाँ से आ जाएंगी? सोलह कला संपूर्ण में, सोलह कला संपूर्ण यहाँ बनते हैं, यहाँ बनने का पुरुषार्थ करते हैं या वहाँ करेंगे है? यहाँ करते हैं। सतयुग में पहला पत्ता कृष्ण या राधा, सोलह कला संपूर्ण बनेंगे या यहाँ बनते हैं है? पुरुषार्थ यहाँ करते हैं, बनते नहीं है यहाँ, यहाँ सोलह कला संपूर्ण आत्मा नहीं बनते हैं है? यहीं पर बनते हैं। तो यहाँ इस समय वो आत्मा है, सोलह कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कोई न कोई शरीर में प्रवेश करके बनते हैं। क्या उन देवताओं के पांव धरणी पर नहीं आते हैं? देवताएं जो है वो मम्मा बाबा जैसी आत्माएं हैं, जो ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाए रही है सेवा का, वो देव आत्माएं हैं, वो धारणा की वाणी सुनाती है। देवता क्या सुना देगा? ज्ञान सुना देगा। देवताएं ज्ञानी होते हैं या धारणावान होते हैं? तो ब्रह्मा की आत्मा गुलजार दादी के अंदर जो भी सुनाती है वो ज्ञान के नए नए पॉइंट सुनाती है या धारणा की बातें सुनाती है? तो देवात्मा नहीं है, है? जैसे वो अव्वल नंबर देवात्मा है वैसे और भी देवात्माएं हैं जो ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में बेसिक ज्ञान लेकर के 100% निश्चय बुद्धि होकर शरीर छोड़ रही है, पूरा बच्चा बुद्धि है। बच्चे को महात्मा कहा जाता है, जो महात्माएं होते हैं वो देवता समान होते हैं, जैसे देवताओं में विकार नहीं होते हैं वैसे बच्चों में भी विकार नहीं होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि अभी ब्राह्मणों की दुनिया में देवताएं विचरण नहीं कर रहे हैं, अभी भी ब्राह्मण बच्चों में देव आत्माएं प्रवेश करके सेवा का पाठ बजाए रही है।
और तीसरा नेत्र जो है वो ज्ञान नेत्र की यादगार है या अज्ञान नेत्र की यादगार है? ज्ञान नेत्र की यादगार है। और शिव जो है ज्ञान का सागर बन करके एक में प्रत्यक्ष होता है या अनेकों में प्रत्यक्ष होता है? है एक में मुकर्रर रस में आता है, ज्ञान सागर बन करके प्रत्यक्ष होता है। वो एक जो है जो ज्ञान सागर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, जिसे लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग। वो ज्योतिर्लिंग है। ज्योति माने ज्ञान की ज्योति। वो ज्ञान का ज्योतिर्लिंगम जिन जिन बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बच्चे हैं जिन 24 आत्माओं में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। इतना ही नहीं, उनमें तो खास बाकी रुद्रमाला के और भी जो 84 मणके हैं उनमें भी वो प्रवेश करता है, लेकिन ज्ञान का जो तीसरा नेत्र है वो या तो शंकर को विशेष रूप में दिखाते हैं या तो महाकाली को दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर का विशेष कार्य क्या है? जो त्रिमूर्ति में नाम पड़ता है शंकर, शंकर किस लिए निमित्त है? शंकर द्वारा विनाश। तो शंकर विनाश करता है क्या? है कौन करता है? शक्तियों में भी अव्वल नंबर कोई विनाशकारी होगा, 100% तो कोई तो होगा। होगा या नहीं होगा? जो 100% है वो भी विनाश तब ही कर सकता है जब उसमें वो ज्ञान पैदा हो जाए कि कीचड़ में रहते हुए भी, कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी कमल फूल समान कैसे जीवन बनाया जा सके। इसलिए शंकर को कई चित्रों में गाय के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है। कमल फूल ही आधार है, जैसे बैल आधार है वैसे कमल फूल भी आधार है। वो आधार धरणी है या कोई और है? क्या है? धरणी। उस धरणी के द्वारा ही स्थापना का कार्य संपन्न कराता है, उसी के द्वारा विनाश का कार्य भी संपन्न कराता है। तो उसमें करणहार ब्रह्मा और करावणहार तीसरा नेत्र कौन है? शंकर की तीसरा नेत्र दिखाया गया है। ऐसे नहीं है कि शिव कोई सर्वव्यापी है या दो व्यापी है या 108 व्यापी है। नहीं, शिव तो सिर्फ एक व्यापी है। इसलिए तीसरा नेत्र दिखाने के साथ साथ जो पुराने महाकाली के चित्र हैं उनमें मस्तक पर कौन सी मूर्ति दिखाई जाती है?
शंकर की मूर्ति भी दिखाई जाती है। माने कौन सी याद है? सिर्फ बिंदु की याद है या साकार में निराकार, वो भी याद आता है, है? साकार में निराकार भी याद आता है, इसलिए महाकाली को तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं। और बाबा ने मुझे कहा है कि तुम बच्ची गांव गांव में जाकर के सेवा करते हो, सन्यासी लोग को राजयोग सिखाना। सन्यासी तो राजयोग नहीं सिखा सकते। हाँ, सर्टिफिकेट में किसके लिए था? तुम बच्चों के लिए है, सन्यासी देगा है, सन्यासी के लिए है कि सन्यासी बाबा के लिए, सन्यासी ब्राह्मण दुनिया में सन्यासी नहीं है। अरे ब्राह्मणों की दुनिया में वो सफेद पोश सन्यासी हैं या नहीं है, तो उनके लिए नहीं कहा है, जो गृहस्थ में रह करके जीवन बिताए रहे हैं, जिन बच्चों के लिए बाप ने पहले ही मुरली में बोल दिया है अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना बाहर वाले करेंगे या अंदर वाले करेंगे? हैं? अंदर वाले करेंगे। अंदर वाले तो सन्यासी अभी भी बने बैठे हैं, तो सन्यासी सिखावेंगे। जो बाहर घर घर में रहने वाले हैं, उन्होंने एडवांस ज्ञान ले लिया, ईश्वरीय ज्ञान ले लिया, पवित्र मार्ग, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग उनके द्वारा स्थापन होता है। और बाबा शंकर जी सोए और काली जी उनके ऊपर पैर रखे और जीवी चलते हैं, शंकर जी सोए हैं उनके ऊपर काली जी पैर रखे, जीवी चलते क्या? वोई वोई बात बार बार पूछेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे रोज। अरे इस बात को समझाते समझाते 6-8 महीने हो गए। विनाश का कार्य, आसुरी धर्मों का विनाश, असुरों का विनाश शक्तियां करती हैं, शक्तियां असुर संहार कारिणी हैं या शंकर असुर संहारकारी गाया हुआ है? हैं? शंकर तो नहीं गाया हुआ है, कह दिया है शंकर द्वारा विनाश, लेकिन शंकर तो नहीं करता। प्रैक्टिकल में शंकर करता है क्या? हैं? नहीं करता। कौन करता है? महाकाली करती है, महाकाली के भुजाएं करती है। तो जब महाकाल के साथ उसकी सहयोगिनी शक्ति महाकाली ही कार्य कर ले, तो महाकाल को निश्चिंत होकर के पड़े रहना चाहिए। या मेहनत करनी चाहिए? हैं? हैं? निश्चिंत होके पड़े रहो। अरे जो गाय होती है अच्छा दूध देती है, उस गाय के दूध में घी बहुत निकलता है और ज्यादा दूध भी दे रही है, तो उसकी लात भी खा लेनी चाहिए कि नहीं? खाते हैं या नहीं खाते हैं? खाते हैं, तो इसका फाउंडेशन कहाँ से पड़ा होगा? है? संगम में पड़ा होगा। इसलिए ब्राह्मणों में खास मान्यता है, भक्ति मार्ग के ब्राह्मण काली गौ को पालना बहुत अच्छा समझते हैं। क्या? श्यामा गौ।
और बाबा ने कहा है कि गवर्नर ने कहा है कि राम ने वानर सेना है। हाँ, राम ने वानरों की सेना ली। जो बानर हैं, बंदर हैं, वो ही मंदिर लायक बनते हैं। हाँ तो गवर्नर वेद में गवर्नर नहीं है। जब हद में ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा बाबा के सामने गवर्नर आया तो एडवांस में ब्राह्मणों की दुनिया में गवर्नर नहीं होंगे। उन गवर्नरों की तो बात है बेहद के, जो बेहद के गवर्नर हैं वो ये बात समझेंगे या बाहर का गवर्नर समझेगा कि बंदर मंदिर लायक बनेंगे। है ये अंदर के गवर्नर हो सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि ह्यूमन बंदर हैं जो मंदिर लायक बनते हैं। और पार्वती के देखो, राम भगवान को दो सीताएं दिखाई गई कि एक ही सीता थी। हैं? दो सीताएं, तो शंकर जी को दो नहीं होंगी। शंकर जी भी तो भगवान माने जाते। पहली का नाम है सती, सती माने सती माने क्या, सत्य है जिसके अंदर प्योरिटी की पावर है। राम के पास भी जो पहली सीता थी वो सती थी या रावण के पंजे में आने वाली थी? है सती थी, सत्य वाली थी, श्रीमत की लीका का उल्लंघन करने वाली नहीं थी। तो एक पत्नी का नाम है सती और दूसरी का नाम है पार्वती। हाँ जी, और जो आत्मा जितने से ज्ञान में आती है और बीच में उसको अनिश्चय आ जाता है, परंतु दोबारा वो ज्ञान में आ जाती है अगेन, तो उस आत्मा के लिए जीवन तो उसी समय से कहा जाएगा अभी तक है? या है? इस समय तो ज्ञान में आई शुरुआत में, बीच में उसे अनिश्चय आ जाता है, अनिश्चय आ गया, परंतु कुछ समय के बाद वो फिर दोबारा ज्ञान में आ जाता है। दोबारा ज्ञान में आ गई, सूर्य की प्रारब्ध तो गई, तो उस समय तो उसको जीवन का भी कुछ नहीं कहा जाएगा। शुरुआत से जीवन से नहीं कहा जाएगा, अंत नहीं हुआ। पांचवी मार से नीचे नहीं गिरा, नहीं गिरा, गिर गया। हाँ, फिर भी हिम्मत करे तो कुछ न कुछ ऊंचा पद पा सकता है। सूर्यवंशी नहीं बनेगा तो नीचे गिर के चंद्रवंशी बन सकता है। वहां पद नहीं है क्या? इस्लाम वंशियों में पद नहीं है क्या? बौद्ध वंशियों में पद नहीं है? नौ कैटेगरी है ब्राह्मणों की, सभी राजयोगी हैं। सभी राजयोगियों का ये परिवार है रुद्रमाला। रुद्रमाला में रुद्र के बच्चे हैं।
जो राजा बनने की क्वालिटी वाले हैं, उन राजाओं की अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, उनकी अलग अलग वंशावलियां चली हैं। तो पद तो बहुत हैं, ऊंचा न सही नीचा ही सही। न पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ करना अच्छा है ना, या प्रजा वर्ग में ही रहना अच्छा है। जो पहले पुरुषार्थ किया था वो सतो प्रधान समय का पुरुषार्थ था, सतो प्रधान टीचिंग शूटिंग का पुरुषार्थ था, या तमो प्रधान शूटिंग का पुरुषार्थ था। सतो प्रधानता का था, उसके ऊपर तो लिप्पा लगा दिया। अब फिर भी अगर पुरुषार्थ करते हैं तो प्राप्ति जरूर करेंगे, लेकिन वो पद नहीं पा सकते जो पद आदि से लेकर के अंत तक निश्चय बुद्धि रह करके पुरुषार्थ करने वाले प्राप्त करते हैं। नहीं तो अष्टदेवों की कोई वैल्यू नहीं होगी, वो आदि से लेकर के अंत तक निश्चय बुद्धि होकर रहते हैं। बाकी माया किसी को छोड़ती नहीं है, अष्टदेवों को भी अंतिम जन्म में जरूर गिराएगी, लेकिन लंबे समय का जो पुरुषार्थ है वो अंत मते तो गति बनाता है या नहीं बनाता है? है? बनाता है। ब्रह्मा बाबा ने अपने शरीर से आदि साक्षात्कार किया, लेकिन अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया अपना, राजकुमार कैसे अभी उनको शरीर नहीं है समझने के लिए, दूसरे का शरीर है तो क्या समझ, आत्मा समझती तो है किसी शरीर के द्वारा, पार्ट तो बजा रही है, समझने का पार्ट बजाए रही है कि नहीं बजाए रही है। तो लास्ट स्टेज ऐसी भी आवेगी कि पूरा ही समझ जावेंगे, लेकिन उतना नहीं समझेंगे जितना राम वाली आत्मा समझेगी। क्या फिर भी विष्णु का जो पार्ट है, पार्ट चार भुजाओं का पार्टधारी विष्णु, उसमें भुजा का पार्ट बजाएगी या भुजा को चलाने वाले का पार्ट बजाएगी? तुम बच्चों को आगरा में सेवा के लिए मदद करना चाहिए। है? आगरा में सेवा के लिए मदद देना चाहिए। आगरा 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 हाँ जी ठीक है। हाँ तो क्या हुआ? आगरा ही को बोला, जो इंडोर हैं, जो इंडोर हैं वो तो डोर के अंदर रहने वाले हैं। क्या पूर्व जन्म में कोई ऐसा पुरुषार्थ किया है जो आउट ऑफ दी डोर रह करके पुरुषार्थ नहीं कर सकते? क्या अगर करेंगे तो माया हाउ हप कर लेगी, इसलिए उनका तो नुदा हुआ है, इंडोर रह करके अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। तो इंडोर के लिए ये बात नहीं है, आगरा के लिए ये बात है। उसके दो अर्थ हैं, आगरा माने आगे रहा और आगरा माने आग बबूला हुआ। क्या झूठी बात सुन करके उसको सहन,
नहीं होता, वो झूठ के बरखिलाफ है। तो जो झूठ खंड को खलास करने के लिए सदैव सन्नद्ध है, तैयार है, उसका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। जो आगे आगे जाने वाले अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनका साथ देना चाहिए। परीक्षा लेने के लिए यक्ष ने चार पांडवों को बाण मार के धराशायी कर दिया, उनकी परीक्षा ली कि चार पांडवों में सहन शक्ति ज्यादा है, देवता बनने की क्वालिटी ज्यादा है या पांचवे में ज्यादा है। तो सहन शक्ति की क्वालिटी किसमें निकली है? युधिष्ठिर में निकली। और माने बाबा ज्योतिष जी बन के आया हुआ है तो मैं दुनिया में और ज्योतिष जी मिले ही नहीं है? बाबा ज्ञान सुनाने के लिए आया है या ये ज्योतिष आदि सिखाने के लिए आया है? ये अज्ञान है सारा दुनिया में, चाहे ज्योतिष ही क्यों न हो। जैसे गणित होता है, गणित का अध्यापक कमजोर भी हो सकता है, गणित के अध्यापक का गणित गलत भी हो सकता है। जो गणितज्ञ है कोई ज्यादा होशियार होता है, कोई कम होशियार होता है। ऐसे ही जो ज्योतिषी हैं, कोई कम होशियार हैं, कोई ज्यादा होशियार हैं। 100% ज्योतिषी कोई भी नहीं है। जो 100% ज्योतिषी होता है वो एक भगवान है, वो कोई का भविष्य ऐसे डायरेक्ट नहीं बताता है। इस जीवन के लिए, इस जीवन की प्राप्ति के लिए नहीं बताता है। कहाँ के लिए बताता है? हैं? 21 जन्मों के लिए और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों के लिए बताता है। ये तो अज्ञान हो गया क्या? जैसे कोई पूछे कि मेरा पार्ट क्या है, मेरी अम्मा का पार्ट क्या है, मेरे बप्पा का पार्ट क्या है, मेरे बच्चे का पार्ट क्या होगा, तो ये अज्ञान है, ये ज्ञान है, ये तो अज्ञान की बात हो गई। भगवान एक एक का पार्ट नहीं बता सकता। तो भगवान के बच्चों से भी अगर कोई पूछे कि मेरा पार्ट क्या है तो बताना चाहिए है? नहीं बताना चाहिए? वो स्टोन जो देते हैं ज्योतिषी लोग, वो स्टोन किसकी यादगार है? अरे जो पत्थर बुद्धि आत्माएं हैं 9 प्रकार की, उन पत्थर बुद्धियों की यादगार हैं वो 9 प्रकार के स्टोन। तो चैतन्य आत्माओं में भी कोई हीरे समान पार्टधारी है, कोई मोती समान है, कोई माणिक्य समान है, कोई मूंगा है, कोई माणिक है।
तो उनको बुद्धि में बांधना, बुद्धरूपी हाथ है ना, उस बुद्धरूपी हाथ में अंगूठी में बांधना, उस अंगूठी में नौ प्रकार के रत्न भी डालते हैं। कोई ज्योतिषी एक प्रकार का रत्न पहनने के लिए बोलते हैं। तो हम तो अभी जान गए ना कि ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसे पत्थर बुद्धि है कि वो हीरा पहनेंगे, हीरो पाटधारी को पहनेंगे तो उनके जीवन में कल्याण ही कल्याण। उसके मुकाबले अगर पुखराज को पहन लिया तो क्या होगा, अकल्याण ही अकल्याण होगा। ऐसे ही कोई ऐसे पाटधारी हैं जो पुखराज पहनेंगे तो उनका कल्याण होगा, हीरे को पहनेंगे तो कल्याण नहीं होगा, हो सकता है माया उनको हीरा चटवाएगी, अकल्याण हो सकता है। माने कोई आत्माएं ऐसी हैं जो आर्य समाज में ही पहुंच करके सुख पाएंगी, वही ग्रुप उनके लिए सुखदाई होगा ड्रामा में। कोई आत्माएं ऐसी हैं जो इस्लाम धर्म में जाकर के ही सुख पाएंगी, सूर्यवंशियों के बीच में उन्हें रख दिया जाए उनकी भांत गड़ेगी नहीं, उनके संस्कार उनसे मिलेंगे ही नहीं, झगड़ा करके भाग जाएंगे। तो ये पत्थर हैं, हीरा भी पत्थर है, मोती भी पत्थर है, माणिक भी पत्थर है, मूंगा भी पत्थर है, वो चैतन्य पत्थर है, और ये जड़ पत्थर है। भक्ति मार्ग में जड़ मूर्तियों को पूजते चले आए, प्राप्ति होती चली आई भावना के आधार पर, और यहां तो ज्ञान है, भक्ति भावना की बात नहीं है। जो समान पाटधारी बनने वाले होंगे, सूर्यवंशी में आने वाले होंगे, उनके गले में कहो, उनके बुद्धरूपी हाथ में कहो, वो हीरा पड़ा रहेगा तो ही उनको फायदा होगा। दूसरे कोई का संग करेंगे तो उनको फायदा नहीं होगा। हीरे को देखें, हीरे का सुने, हीरे के साथ रहें तो उनको अच्छे से अच्छा संग का रंग मिल करके फायदा होगा। ओम शांति।